कैसा लग रहा है ये होटल? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मगर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? ये होटल मैं आज खरीद रहा हूँ। क्या? हाँ। आपको पता नहीं आज का दिन किसी भी लेन देन के लिए अशुभ है, आज मत खरीदिए कल खरीद लेना। अरे छोड़ो, मैं शुभ अशुभ को नहीं मानता। ये होटल वो मुझे आधी कीमत में दे रहा है, मैं नहीं खरीदूंगा। किसी और ने खरीद लिया तो मैं सारी जिंदगी सीना पीटता रह जाऊंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये सब आ गए? वो तो बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं सर। तुम एक काम करो, इनके साथ जाके होटल का मुआयना करो, मैं भी आता हूँ। कहाँ है वो? अपने ऑफिस में। अरे ये सिंगानिया सेठ अभी तक आया क्यों नहीं? ओहो सेठ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सिंगानिया सब आते ही होंगे, आप बैठिए ना। अरे बैठने की बात छोड़ो, नहीं मेरी कुंडली के हिसाब से आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है। मैं जितना जल्दी हो सके ये होटल का मुसीबत सिंगानिया के गले में डाल देना चाहता हूँ। फिर सिंगानिया जाने और वो ढाबे वाला छोकरा जाने। अरे उस ढाबे वाले छोकरे ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है, उसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर प्रेशर कुकर की माफे कितना ऊपर चढ़ जाता है कि चारों तरफ से सीटियां बजने लगती है। गुड मॉर्निंग। अरे आओ आओ सिंगानिया सेठ, आओ आओ। वाह 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 वाह, शद्दाद ने जमीन में जन्नत बनाई थी, किसी ने क्या खूबसूरत ही होटल बनाया है। अरे बाबा किसी ने नहीं, हमने बनाया ये होटल, पीके दीवानी ने। दीवानी? हाँ। दीवानी तो औरत का नाम होता है, मर्द तो दीवाना होता है। तुम औरत हो या मर्द हो? वो क्या है, तुम जो बोलता है वो हम नहीं है, जो दिख रहा है वो है। दीवानी तो हमारी खाली सड़ने में है नी। आओ बाबा, टाइम खोटी काय को करता है नी। मैं समझा तुम औरत हो या पैंट पहन कर बैठे हो। अरे वकील साहब जल्दी से एग्रीमेंट के पेपर्स निकालो और सिंगानिया साहब को दो, मैंने तो साइन करके रखा है, तुम भी देख लो और साइन कर दो ना। ये पहले ड्राफ्ट दे रहा हूँ यार, तुम भी यार। नहीं वो पहले होना चाहिए ना, क्या काम की चीजें मेरे लिए। ये देखो साइन हो गया। मुबारक हो सिंगानिया साहब, मुबारक हो। आज से ये होटल तुम्हारा, इधर का स्टाफ तुम्हारा, मैनेजर तुम्हारा और सारा टेंशन भी तुम्हारा। टेंशन क्या? मुसीबत। मुसीबत क्या की? टेंशन बाबा छोड़ो नहीं, वो मेरा मैनेजर तुमको समझाएगा नहीं। अरे मगर मैं तो तुम्हारे मैनेजर से मिला ही नहीं हूँ यार। मिलेगा नहीं, सुनो यार। अरे अरे नहीं सुना। अरे मगर मैं उसको पहचानूंगा कैसे? अरे वो दुनिया का आठवां अजूबा है, उसको देखते ही तुम पहचान जाएगा। अरे मारी ये कोर्ट नहीं सुना, क्या करूंगा? ये रखो यार, जल्दी करो बाबा। अरे ए दीवानी मेरी बात सुन ले, दीवानी आठवां अजूबा, ये तो काफी फिरा हुआ है यार। ये अंदर कहां जा रहा है? लगता है ये आठ, अरे ओ आठवें अजूबे। अरे रुक, घूम, ये क्या परमानेंट है क्या? जी तुम इत्तेफाक से इस होटल के मैनेजर तो नहीं हो ना? आपने ठीक पहचाना, मगर आपन कौन? मैं इस होटल का नया मालिक हूँ सर जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये तुम भागे क्यों चल रहे हो ऐसे? नहीं मैं भागेपुर का रहने वाला हूँ ना। तो क्या भागेपुर में सब वाले टेढ़ पैदा होते हैं क्या? नहीं नहीं, भागेपुर में भागे पुल पे, भागे पेड़ पे, भागे डाल पर बैठ के गिर गया था ना, तब से ये हालत। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारा ये भागापन सीधा कर सकता हूँ। जो आदमी उल्टा पैदा होता है ना, अगर उसकी लात तुम यहाँ खा लो तो भागापन टेढ़ापन सब सीधा हो जाता है। अरे सेठ जी उल्टा तो मैं भी पैदा हुआ था, एक बार अपनी कब्र पे लात मारने की कोशिश की, मुंह के बल गिर गया, तब से और ये हड्डियां जाम हो गई। इत्तेफाक से मैं भी उल्टा पैदा हुआ था, अभी मेरी लात खा के देखो तुम कैसे सीधे होते हो। अच्छा अच्छा, लात मारोगे? अरे उधर कहाँ ले जा रहे, इधर फिराओ। हाँ रेडी सर जी, जरा आहिस्ता मारना। आहिस्ता मारने से निकलेगा नहीं, अपना समझ के मारना। अपना नहीं, सर जी मैं ठीक हो गया। मानता है कि नहीं? थैंक यू जी, मानता सर जी। एक मिनट है, मेरी तरफ से। ये क्या है जी? मैं रोज मालिश वाले को 5-5 रुपए देता हूँ, मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूँ। मैं मालिश वाला हूँ क्या बे? नहीं नहीं नहीं, ये मेरी तरफ से गुड लक है। ओ, गरीब की तरफ से? जी जी। बोला नहीं किसी को? हाँ नहीं। हाँ फिर तो चल, मैंने तेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया कि नहीं? आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी सर, लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मेरी काय की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही तो है सर जी, इसीलिए दीवानी आपको आधे दाम में ये होटल बेचकर भाग गया है। क्या मतलब? इधर आइए बताता हूँ। इधर आइए, ये देखिए। किधर? आपके होटल के कंपाउंड में ये ढाबा, लोग रहते यहाँ हैं, खाते वहाँ हैं, नहाते यहाँ हैं, धोते वहाँ हैं। अरे इस ढाबे को मैं चुटकी में उखाड़ के फेंक दूंगा। जब पुराने मालिक नहीं उखाड़ सके, आप उखाड़ लेंगे। क्या बोला बे? मेरा मतलब है, जाओ उस ढाबे के मालिक को यहाँ पेश करो। कुल्फी मलाई फिरनी है जो पेश करूँ? उल्टी खोपड़ी का है, गांव गया है छुट्टियों में,
अगर मैं मिला भी दूं ना तो जरा सोच समझ के बात कीजिए उससे। नहीं तो क्या कर लेगा वो? अब कर लेगा तो हम उसकी खाट खड़ी कर दे, लेकिन अपने भी कुछ उसूल है। पहले हम इंसान को समझाते हैं और अगर उसके बाद भी ना माने तो उसकी ऐसी बैंड बजाते हैं कि जिंदगी भर फटे हुए ढोल की तरह पिटता रहे। अरे राजा भैया, आप उसको जानते नहीं, वो बड़ी टेढ़ी खीर है, नाम है अजगर सिंह और कानून को जेब में लिए घूमता है वो। फिर आ गया हराम के खाने, मर गए। ये मुसीबत आज फिर आ गई। क्या हाल है सुखी राम? बहुत दुखी हूँ सरकार। क्यों, कोई गुंडा तो परेशान नहीं कर रहा है ना? आपके होते हुए कोई और गुंडा कैसे परेशान कर सकता है सरकार? क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये बिस्किट मत खाइए सरकार। क्यों? ये कुत्तों के खाने के बिस्किट हैं। चलेगा चलेगा, इनको आदत है। तू भी ले, ओकना नहीं। हाँ। अरे ये क्या है? नई कंपनी का लगता है। नई कंपनी का है, 70 रुपए का एक है। वेरी गुड, 4 बांध दो। एजी सुनिए, ये साबुन भी नई कंपनी का लगता है। अरे वाह वाह, 2 दर्जन ये भी बांध दे। 10 रुपए का एक है मालिक। मैंने सुना तू तेल में पानी मिलाता है, चावल में कंकड़, धनिये में घोड़े की लीद और मिर्च में ईंट पीस के मिलाता है। ये क्या बात कर रहा है साहब, ये सब झूठ है भाभी जी। अरे क्या झूठ है, चल 1 किलो मिर्ची बांध, 1/2 किलो धनिया, 5 किलो तेल और 10 किलो चावल बांध। मैं घर ले जाऊंगा, पकाऊंगा, खाऊंगा और चेक करूंगा। माल है जी, जो करना है जल्दी कीजिए, मुझे बैंक जाना है, बैंक बंद हो जाएगा। ओ हाँ हाँ, मुझे याद है। हाँ तो सुखी राम, कुल मिलाकर कितने हुए भाई? लगता है पुराना हिसाब चुकाने वाला है सरकार। पिछला और आज का मिलाकर 6,900 रुपया। अच्छा अच्छा, और तुम्हारे पास रुपए कितने? निकालो। 2,000 रुपए है सरकार। दो ये, 3 ये, 5 हो गए। बैंक में जमा कराओ, अपने 1,00,000 रुपए हो जाएंगे। मैं चलती हूँ। तुम निजाम में लिख लेना ये पेड़े भी, और भूल जाना साला कमीना रिश्वत खोर। साला पेड़े का भी हिसाब खाते में लिखा है। ए, कानून को टक्कर मारता है लगड़े। कानून और अंधी जनता की टक्कर तो अक्सर हुआ ही करती है इंस्पेक्टर। मेरा नाम इंस्पेक्टर अजगर सिंह है। तो क्या गरीबों को निकल जाएगा, उनका माल खाएगा? ये मेरा इलाका है, मैं जो चाहूंगा खाऊंगा। तू कौन होता है? मुझसे उलझेगा तो जेल की चक्की में पीस के रख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास भी एक ऐसा तिलस्मी बांबू है, ऐसा बांबू लगाऊंगा कि जिंदगी पर बंदर का नाच ना जाएगा। इंस्पेक्टर याद रख, 24 घंटे के अंदर अगर गरीबों का खाया माल नहीं लौटाया ना, तो वो अश्र करूंगा कि तू याद करेगा। तू है कौन? तू मिनिस्टर है? तू चीफ मिनिस्टर है या प्रधानमंत्री? तू है कौन जो तू मेरे मुंह मत लग, वरना ये क्या? ये जरा टोपी ऊपर करना, जरा टोपी ऊपर करो। क्या क्या कुछ नहीं हो सकता यार। अरे जाओ तुम जाओ। ये क्या देख रहा था टोपी में? हवलदार चल मेरे साथ। अरे क्या देखता भाई यार ये? अरे क्या देख रहा था, इंक्वायरी करते हैं टोपी के नीचे क्या है। देखा राजा भैया, ये अजगर कैसे हम लोगों को तंग करता है। घबराओ मत सुखीराम, देखना आज के बाद इसका खाना पीना उठना बैठना तो क्या, सोना भी हराम कर दूंगा। कौन है बदतमीज? हेलो, मैं निसार खान बोल रहा हूँ। निसार खान बोल रहा हूँ। हाँ जी, एक मिनट उठाती हूँ। एजी सुनो, एजी उठो, एसएसपी साहब का फोन है, उठो उठो उठो। ओफ, ये रिश्वत नहीं जो जेब में डाल रहे हो, एसएसपी साहब का फोन है, उठो। एसएसपी साहब? यस सर, इंस्पेक्टर अजगर सिंह स्पीकिंग सर, एनी इमरजेंसी सर? कल सवेरे पहली फ्लाइट से हेल्थ मिनिस्टर हमारे इलाके में आ रहे हैं। डोंट वरी सर, हेल्थ मिनिस्टर साहब का बंदोबस्त हो जाएगा सर। बंदोबस्त उनका नहीं, हमारे इलाके के कुत्तों का करना है। कुत्तों का? तो क्या फ्लाइट में मंत्री जी के कुत्ते भी आ रहे हैं सर? बेवकूफ, हमारे इलाके के कुत्तों में बीमारी फैली हुई है, मंत्री जी को एलर्जी है, इसलिए उनके यहाँ पहुँचने से पहले कुत्ते अरेस्ट कर लो। लेकिन एक्सक्यूज मी सर, ये कुत्ते पकड़ने का काम तो म्युनिसिपैलिटी का है। कौन सा काम किसका है मुझे मत समझाओ, मैं कह रहा हूँ कुत्ते अरेस्ट कर लो तो कुत्ते अरेस्ट कर लो। लेकिन सर इतने सारे कुत्ते मैं रखूंगा कहाँ? हवालात में। लेकिन हवालात में जो मुजरिम है उन्हें छोड़ दो, वो तो इंसान है, दोबारा पकड़ लेंगे, मगर कुत्ते बार बार पकड़े नहीं जाते। अब न सवाल न जवाब, गुड नाइट। बैड नाइट।
इतने सारे कुत्ते एक रात में। गुड मॉर्निंग सर। आजकल सिंह ये अंदर सब क्या हो रहा है? कुत्ते सर, कुत्ते, भांति भांति के आवारा कुत्ते, दुम कटे कुत्ते, कान कटे कुत्ते, खुजली वाले कुत्ते, बिना खुजली वाले कुत्ते, पट्टे वाले कुत्ते, बिना पट्टे वाले कुत्ते, काटने वाले कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते। ओ सर, इन कुत्तों को कैसे पकड़ा है ये सिर्फ हम ही जानते हैं या फिर ये कुत्ते जानते हैं? वो सारे कैदी कहाँ हैं जो अंदर बंद थे? सर आपने कहा था कैदियों को छोड़ दो, कुत्तों को अंदर ले लो, क्योंकि कैदियों को तो हम फिर पकड़ सकते हैं। कुत्ते इम्पॉसिबल, यू टोल्ड मी। ये मैंने कहा। यस, मैंने कहा था। हाँ, तुम बिल्कुल पागल हो। नहीं सर, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। सर रात को आपने टेलीफोन पे कहा था कि हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं, शहर की सड़कों पे एक भी कुत्ता नजर नहीं आना चाहिए। सो आई ओबेड यू। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें फोन कैसे किया जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि टेलीफोन कंपनी ने पड़ोसी के फोन के बजाय मेरा ही टेलीफोन काट दिया। वो सर याद कीजिए, आपने पब्लिक बूथ से टेलीफोन किया होगा, यू नो। शट अप। तुम जानते नहीं, तुम्हारी इस बेवकूफी के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। यानी आपने फोन नहीं किया? नहीं। और कान खोल कर सुन लो, आज के बाद अगर तुमने ऐसी बेहुदा हरकत दोबारा की तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर ही दूंगा। सर अंडरस्टैंड? इन कुत्तों का क्या करूं? अबे छोड़ दे मुझ पर। एक एक करके छोड़ू, एक साथ छोड़ दूं? शट अप। तू जानता है तेरे को सस्पेंड कर सकता हूं। मैंने फोन नहीं किया। बजा बजा। हेलो। क्यों अजगर भाई, कैसी कटी रात कुत्तों के साथ? तू तो ये तेरी हरकत थी। अरे मेरी गलती हुई उन कुत्तों के साथ, तुझे क्यों नहीं अंदर बंद किया मैंने? अरे ये तो मेरी शराफत थी। अगर 24 घंटे के अंदर दुकानदारों को खाया माल लौटाया नहीं ना तो ट्रांसफर करा दूंगा। ट्रांसफर? बेटा मेरा नाम अजगर सिंह है, मुझसे पंगा ले गया तो ऐसे केस में फंसाऊंगा कि दोबारा इस इलाके के आसपास फटकने की हिम्मत भी नहीं करेगा तू। तो ठीक है अजगर भाई, ये आने वाले 24 घंटे ही बताएंगे कि कौन किसको निकलता है। अबे रख दे फोन। देखना इसका मैं क्या हाल कर दूं, बहुत होशियारी मार रहे हैं। अरे अरे वकील साहब, अरे क्या हाल? अरे राजा भैया नमस्ते। नमस्ते। अरे नमस्कार भैया, क्या हाल है? बस ठीक ही है। और सुनाइए दिल्ली में सब कुशल मंगल? क्या बताएं राजा भैया, मेरी तो जान मुश्किल में पड़ी हुई है। क्यों, क्या हो गया? आपको नहीं मालूम? नहीं। वो निसार खान के केस के सिलसिले में यहाँ आना पड़ा। निसार खान? अच्छा एसएसपी साहब? हाँ वही। अरे 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 बगल बगल बगल, क्यों उनका क्या चक्कर यार? अरे दिल्ली में उन्होंने किसी पार्टी में नशे में किसी लेडी अफसर को छेड़ दिया। बस हो गया हंगामा, उस लेडी अफसर ने कोर्ट में केस ठोक दिया। फिर कल सुबह 11 बजे तक अगर खान साहब दिल्ली नहीं पहुंचे तो उनके नाम से नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। अच्छा। हाँ। कब जा रहे हैं निसार साहब दिल्ली? कल सुबह 7 बजे की ट्रेन से राजा भैया। अच्छा, यानी कि आज रात को ही कुछ करना होगा। कौन? पांच बजे? ये सुबह के 5 बजे कौन आ गया? ए जी, ये तो कभी उठेंगे ही नहीं। हाँ हाँ एक मिनट। कौन है? वो है क्या? वो कौन? अजगर भाई है। कहाँ जाएंगे, मगर आप कौन है? मैं आपके एसएसपी निसार की बेगम हूँ, शर्मा पीछा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, एजी सुनते हो, एसएसपी साहब की बेगम आई है। क्या, एसएसपी साहब की बेगम साहिबा? रिपोर्टिंग मैडम, रिपोर्टिंग। बेगम साहिबा, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ, खैरियत तो है? क्या बताऊँ असगर भाई, मैं लूट गई। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, हुआ क्या? आप तो जानते हैं कि निसार साहब कितने गुस्सैल आदमी हैं, छोटी सी बात से नाराज होके दिल्ली जा रहे हैं। अजी मगर दिल्ली क्यों जा रहे हैं? मैंने सुना है कि उनका दिल्ली में कुछ चल रहा है। चक्कर दूसरी वाली का? दूसरी शादी? अपने शौहर से कहो ना कि मेरे शौहर को दिल्ली जाने से रोक ले। जी रोको जी, बात सुनने दो। अगर आप लोगों ने नहीं रोका ना तो मैं पंखे पर रस्सी बांध कर अपने आप को फांसी लगा लूंगी। आपके घर में पंखा तो होगा? है, मगर टेबल फैन है। या अल्लाह, अब मैं किस पे लटकूंगी? सलमा सलमा बहन, हाँ। आपके शौहर इस ट्रेन पर नहीं चलेंगे, ये एक भाई का वादा है। कितने बजे की ट्रेन है? सवेरे 7 बजे की। नहीं चढ़ेंगे। एसएसपी साहब, सर सर रुक जाइए, सर रुक जाइए, सर रुक जाइए। अजगर सिंह, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ?
हमें गुड लक कहने आए हो? नहीं सर, नहीं, मैं आपको समझाने आया हूँ, जो हो गया उस पे झाड़ू मारिए। अरे ऐसे कैसे झाड़ू मार दूँ सर, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं सर। ये कोई छोटी मोटी बात है, हमारी इज्जत का सवाल है। अजी इज्जत को मारिए गोली, मेरा मतलब आप घर चलिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मेरी गलती? क्या बकवास कर रहे हो? नो सर, आप जा नहीं सकते। मैं कहता हूँ छोड़ दो हाथ। नहीं सर, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। सर ट्रेन तो क्या, प्लेन भी होता तो वो भी छूट जाता, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। सॉरी, मैं कहता हूँ छोड़ दो हमें। नो सर, दिस इज एन ऑर्डर। तो फिर आई एम सॉरी टू से दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर। ये रहा ऑर्डर। ये क्या कर रहे हो? अबे ये क्या कर रहा है, पागल होगा क्या? छोड़ दो मुझे। हरगिज नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरी ट्रेन छूटने वाली है। अरे सर दुनिया छूट जाए, मैं आपको ये ट्रेन नहीं पकड़ने दूंगा। ये देखो ट्रेन जा रही है। अरे जा रही है। सर जाने दीजिए, मैं यही चाहता हूँ ट्रेन चली जाए। हथकड़ी खोलो। नहीं खोलूंगा। मैं कहता हूँ खोलो। नहीं खोलूंगा। खोलो। नहीं। अरे जा रही है, जा रही है। गई। बेवकूफ उल्लू के पट्टे, ये क्या किया तुमने? आज मुझे हर हाल में दिल्ली पहुंचना था। नो सर, अगर आज आप दिल्ली पहुंच जाते तो आपकी बेगम गले में रस्सी बांध के पंखे से लटक के ऊपर पहुंच जाती। क्या बकवास कर रहे हैं? Yes. हमारी बेगम तो दिल्ली प्लेटफॉर्म पे हमारा इंतजार कर रही है। दिल्ली प्लेटफॉर्म पे? सर सुबह मेरे घर आई थी। क्या बात है, आज कोर्ट में ना पेश होने पर मेरे खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा। ओ नो सर, आई एम सॉरी सर। सॉरी के बच्चे, मैं अभी इसी वक्त तेरा ट्रांसफर करता हूँ। नहीं सर, मेरी बात समझिए सर। यू आर सस्पेंडेड। बट सर मैं आपसे सस्पेंडेड। बड़ा पक्का सस्पेंड किया इसने सर। सस्पेंडेड। अगर दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर इनकी बेगम है तो सुबह जो मेरे घर आई थी कौन थी? वो कौन थी? किसका फोन है प्लेटफॉर्म पर भाई? मैं तो सस्पेंडेड हूँ। और फिर बजाए साला, उठाता हूँ नहीं तो बजता रहेगा। हेलो हेलो अजगर भाई, सलमा बहन का आदाब। अरे कमीनी, ये क्या किया तूने मेरे साथ? कमीनी नहीं, कमीना बोल रहा हूँ। कहा था ना, अगर गरीब दुकानदारों का पैसा नहीं लौटाया तो 24 घंटे में हो गई ना तुम्हारी ट्रांसफर। चलो अब मैं भी चलता हूँ, हमारा काम तो हो ही गया है, अब हम भी चलते हैं मुंबई। कैसे हो राजा भाई? अबे बनारसी साधा लगा कच्ची सुपारी। अरे छोटो। अरे राजा भैया राजा जय राम। जय राम जी, क्या हाल चाल? अरे बिल्कुल चकाचक। ऐसा आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। वो का? अरे दीवानी सेठ आपसे परेशान हुई क्या, ये होटल बेच के चला गया। चला गया? हाँ। चलो जान छोटी बिचारे की। और नया सेठ आपसे मिले खाते मर रहा है। मर रहा है? तो चलो मार देते हैं साले को। लेकिन राजा भैया, ये नया सेठ हमका कुछ टेढ़ा नजर आता है। तो हम साला कौन सा सीधा आदमी है, आज की मीटिंग रख दो साले की, खड़ी कर देते हैं। तो तुम हो छोटे से ढाबे के मालिक? छोटा ढाबा समझ कर कहीं आदमी को छोटा मत समझना। क्या बे सेठ जी बोल रहे? सुन आ, क्या है? अपना करेक्टर थोड़ा टेढ़ा है, अपन किसी से लड़ जावे ना तो बंदा कुछ ऐसा कर डालता है कि सामने वाला ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोच सकता। अरे ख्वाब आएंगे तो सोचेंगे ना, आपसे जो पंगा ले उसकी तो नींद हराम हो जाए। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ। लखाक मेरी तरफ है? बात कह रहा हूँ काली का बैंगन। ये तो टेढ़ी खीर लगती है, निगलने के लिए चापलूसी का शहद लगाना पड़ेगा। शहद से काम नहीं चलेगा। आवाज आई क्या? अरे मन में इतना लाउड बात करोगे तो आवाज तो आएगी ना। बातें तो होती रहेंगी। तुम हमारे पड़ोसी हो, बताओ क्या लोगे? अपने को चापलूसी नहीं चाहिए, मेरा मतलब तकल्लुफ मत करो बाबा यार। बकरे को हलाल करने से पहले कुछ खिलाया पिलाया जाता है। हाँ वो समझ रहा हूँ। बात बता, तू मेरी तरफ है कि इसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कौन सी तरफ? नहीं खाने में क्या लेंगे आप? है क्या तुम्हारे पास? चल बोल। हमारे पास चिकन लॉलीपॉप है, चिकन तंदूरी है, चिकन टिक्का है, मटन कबाब है। मेहमान है, खाने दो ना। काम के बीच में बोलेंगे आप? फिश है। चाय पिला के? चाय पा दूंगा मैं। मटन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है। एक काम कर, एक प्लेट सब ले, बाद में खाने का ऑर्डर डालेंगे। yes, पिछले जन्म में भैंसा था क्या? ये बोले छड़िए आवाज आई क्या? हाँ तो फिर अपने आपको गाली दोगे तो सुनाई नहीं देगा। मैं अपने आपको भैंसा थोड़ी बोलूंगा। वही तो बोल रहा हूँ, भैंसा ऐसा थोड़ी होता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत चालू आदमी है। अभी तुम्हारे साथ चलने के लिए चालू बनना ही पड़ेगा ना। देखो यार मैं स्ट्रेट बात करता हूँ तुमसे, तुमने मेरे होटल के अंदर जो ढाबा बना के रखा है, जो झोपड़ा बना के रखा है, वो तोड़ डालो।
और क्या करूं, सड़क पे आ जाऊं, वड़ा बेचूं, भजिया तलूं। नहीं, मेरे होटल में काम करो, मैं तुमको पगार दूंगा 10,000 रुपया महीना। मेरे ढाबे पे काम करो ना, मैं तुमको 20 देता हूं। देखो, मैं तुमसे सीधी बात करता हूं। ए सेठ जी, फूल मत देना, वो पिछले मालिक ने मेरे नाम की सुपारी दी थी, कुछ बिगाड़ नहीं पाया। गुंडागर्दी की बात नहीं कर रहा हूं, शराफत की बात कर रहा हूं। शराफत इसी में है कि मेरे ढाबे के बारे में सोचना बंद कर दो। सही बात है। क्या बात है? बेटी का फोन है। ओ कहने लगी मेरी दाढ़ी बड़ी अजीब है। मैंने कहा सही बात है। क्या बोला बे? मोबाइल का लाइन चालू है, बिल जाता है, बात कीजिए ना। करता हूं, करता हूं। हां बेटी, किसका फोन है? बेटी का फोन है। इसकी बेटी है? एक ही बेटी है, जवान है, जवान है, खूबसूरत है, कुंवारी भी है। कुंवारी है तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई यार। कैसे? घर में लड़का और शहर में ढूंढ रहा। हां यार, मेरी बात छेड़ना इससे। बात छेड़ो ना, प्रॉब्लम सॉल्व है यार। यस सेठ जी, सेठ जी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कैसे? बात कीजिए। हां क्या? देखिए लाला जी कह रहे थे कि मैं जवान हो गया हूं और मेरी शादी की उम्र हो गई। और अभी अभी बाकी ने बताया कि आपके घर में जवान बेटी है। तो मैं ये कह रहा था कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं अपने ढाबे की चाबी आपके हाथ में दे देता हूँ। तेरी हिम्मत कैसी मेरी बेटी का नाम लेने की? अरे उसमें प्रॉब्लम क्या है? घर में जवान बेटी और फास्टर के सामने ढाबा, दो परेशानी एक साथ दूर होती तो आपको जाता क्या? मैं तेरा मुंह फोड़ डालूंगा। सेठ जी ठीक है, आपने मेरे साथ पंगा ले लिया ना, आज से आपका बुरा टाइम शुरू हो गया है। और यकीन नहीं आता ना तो अपने घड़ी में अपना टाइम देख लीजिए। क्या देखूं बे? इसकी औकात देखी, कहाँ ये दो कौड़ी का इंसान, कहाँ मेरी बेटी? अबे हाथ उमर, उड़ा दिया गरीब को। ए, गंजे, अंधा है क्या, इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखती? अयो ये गरीबों का धंधा ही है बेबी, अमीरों की गाड़ी के आगे पैसा बनाने का। ए देखो, तुम लोगों ने हमारा इतना नुकसान कर दिया है, पैसा तो देना ही पड़ेगा। अरे अरे काहे का पैसा, गलती तुम्हारी है इडियट। हम तुम्हारा कंप्लेन करेगा पुलिस में, समझा? चलो बेबी रंग मंदिर में, पब्लिक तुम्हारा इंतजार करता होगा। शो का टाइम हो गया। अरे चोरी और सीना चोरी। अजीब जमाना आ गया, गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। अरे छोटू, तेरा ये हाल किसने किया है? ये एक सर्वीरी लड़की जिसने मुझे कार से उड़ा दिया। और तुम मुड़ के आ गए, मर्दों का नाम खराब कर दिया। कौन थी वो लड़की, उसका आता पता बता। राजा भैया, मुझे उसका आता पता नहीं मालूम, लेकिन आज रंग मंदिर में उसका डांस का प्रोग्राम है। ऐसा? हाँ। तो फिर देख, आज उस लड़की को मैं कैसा डांस कराता। राजा भैया, लड़की को सबक सिखा दिया? चुप बे कमीने, सारी गलती तेरी थी। मेरी गलती? तू रॉन्ग साइड से आया था, तू जानबूझकर उसकी गाड़ी से टकरा गया, तेरा ब्रेक फेल हो गया था, तेरी घंटी काम नहीं कर रही थी, तू अंधा हो गया था साले। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तू कोतवाल नहीं, तू चोर है। तू चोर भी नहीं, तू डाकू नंबर वन है। गलती उसकी और इल्जाम सारे मेरे ऊपर। अपनी जबान को लगाम दे, वो लड़की कभी गलती कर ही नहीं सकती। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, कितनी सुशील, कितनी नेक। काश मैं उसकी गाड़ी से टकराया होता, टांग मेरी टूटी होती, वो अस्पताल फूल लेकर आती, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती और पूछती अब कैसा लग रहा है। अब ये होटल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। होटल चले या ना चले, हमारा चक्कर चल गया, हम चलते हैं। अभी भी आया चलते बने? इश्क में ऐसा ही होता है, आदमी आता है, जाता है, जाता है, आता है, खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, फिर जाता है, फिर आता है। हे भगवान, अपना राजा भैया गया काम से। मास्टर जी, ये हुआ कैसे? अयो राहु कालम जी, हम राहु कालम में प्रोग्राम शुरू किया, सनी जंप किया। मास्टर जी, बहुत जबरदस्त फ्रैक्चर हुआ है, इसके ऊपर हल्का सा भी वजन नहीं पड़ना चाहिए। अयो वजन हम मक्की नहीं बैठने देंगे। मास्टर जी अम्मा, बहुत तकलीफ हो रही है ना? लेकिन वो अंधा था कौन जो आपके ऊपर गिरा? मैं। कभी कभी आंखें होते हुए भी आदमी अंधा हो जाता है, और वही मेरे साथ हुआ। अयो यही था अम्मा, यही बेबी, यही चली। बोल पकड़। तो तुम ही हो जिसने मास्टर जी की टांग तोड़ी है? मास्टर जी की टांग टूटी सबने देखा, लेकिन मेरा दिल टूटा किसी ने ना देखा। क्या जलाओ पर है बेबी से दूर रहना। बेबी, जब आदमी की टांग टूटती है उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि टांग का डायरेक्ट कनेक्शन दिमाग से होता है। और हकीकत यह है कि मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, बे इंतहा इश्क करता हूँ तुमसे। शाहजहान ने मुमताज के लिए एक ताजमहल बनाया था, मैं तुम्हारे लिए 7-7 ताजमहल बनाऊंगा। अयो इतना मार्बल किधर से लाएंगे जी? हमारे देश में बहुत सारे खान हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, किसी भी खान से उधार ले लूंगा, मगर ले आऊंगा। और उसके बावजूद भी अगर नहीं मिला तो कागज पर पेंसिल से बनाकर तुझे भेंट कर दूंगा। इधर ला बे बेबी, ये लो, और वो मुझे दो जो मैं चाहता हूँ। ये ये नहीं, कुछ और दिखाइए ना। किरण, हम ऊपर 7th फ्लोर पर जा रहे हैं, तू वहीं आ जाना। अच्छा ठीक है।
ये भी नहीं, ये वाली। आय हाय हाय हाय, ऐसा लगता है जैसे बादलों में चांद निकल आया हो। आपके हस्बैंड की टेस्ट तो मान गया मैं सर। ये मेरे हस्बैंड नहीं है, बॉयफ्रेंड है। जस्ट शट अप। अरे अभी भी शुरू हुआ यार, मतलब होने वाले। कोई बात नहीं, एक दिन इससे शादी करके तेरी दुकान पे जरूर लेकर आऊंगा। जरूर लाना साहब। हाँ क्या है कि आज तक मुझे तुम जैसी कोई लड़की दिखी नहीं, दिखी नहीं तो मिली नहीं, मिली नहीं तो बात बनी नहीं, बात बनी नहीं तो बात आगे बढ़ी नहीं, इसीलिए मैं जिंदगी में पीछे रह गया। लेकिन अब तुम मिल गई हो तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने का चांस। शट अप, चिल्लाओ मत वरना लिफ्ट रुक जाएगी। शट अप, शट अप, शट अप। देखा, रुक गए ना लिफ्ट। मुझे डर वर नहीं लगता, समझे? फूल। क्या हो गया बेबी? ये अंधेरे में हजार वोल्ट के झटके क्यों दे रही हो? कॉकरोच। कॉकरोच यानी कि छपड़ा। कॉकरोच भैया, क्या टाइम पे एंट्री मारी है यार। जब तक जिंदा रहूंगा तुझे सलाम करता रहूंगा, तुझे अगरबत्ती दिखाऊंगा, तेरा स्टैचू बनाकर उस पर हार चढ़ाऊंगा, तुझे मोतीचूर के लड्डू खिलाऊंगा साले। ये क्या बदतमीजी है? माफ कीजिएगा मैम साहब, मैं कॉकरोच की तारीफ कर रहा था। मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ। कोई है? मैं हूँ ना। शट अप। कोई है? मैम साहब आप यहाँ से ऊपर आ जाओ। वहां से? अच्छा बेबी, मेरे हाथों पे अपने पांव रख दो बेबी और चढ़ जाओ। हाँ चढ़ते रख दो। हाँ 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 हाँ। देख क्या रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ बेबी। आंखें बंद करो। आ क्या, मेरी तो सांस ही बंद हो चली है। जल्दी चलो, काफी भारी भरकम हो यार। अरे एक बार हमको थैंक यू तो बोलो यार। हाँ? ए, क्या कर रही हो? मेरी जूती से। क्या कर रही हो? मिल गया प्यार करने वालों का नजराना, मिल गया। मेरी सैंडल दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मेरी सैंडल दो। देता हूँ एक मिनट। तुम्हें अपना बनाने की कसम। अभी बताते। सुनो, अगर थूकना है तो इस पे थूक दो। इडियट। अबे मुझको भी तो बाहर निकाल। अबे अबे तुझको कैसे लड़कियों को बाहर निकालने के लिए रखा है क्या? आज हूँ आए बाल सावन बीता। सुनिए। सुनाइए। छोटे मियाँ कहाँ हैं? वो तो गए नागपुर। लेकिन कल तो थे। लेकिन आज तो गए। कब आएंगे? कभी नहीं। क्यों? वो नागपुर में उनकी शादी थी ना। तो वो कानपुर के घर दामाद हो गए। ऐसा क्यों? वो जौनपुर के थे ना भाई। तो जौनपुर के लोग ऐसे होते हैं? वो तो जयपुर और उदयपुर वाले ही बता सकते हैं। अच्छा, तो मेरे कपड़े कौन सिएगा? मैं हूँ ना मदनपुरा का आपका मियाँ। मेरा मियाँ? मतलब कि आपके टेलर के वाले बड़े मियाँ। अच्छा चलिए ठीक है, माप ले लीजिए। माप तो मैं आपका कभी से आँखों आँखों में ले चुका हूँ। क्या कहा? यकीन ना है तो मेरे हाथों से पूछिए, मेरी सांसों से पूछिए, अंधेरे में फैले उस रेशमी उजाले से पूछिए। अरे कैसा अंधेरा, कौन सा उजाला, कैसा मजाक कर रहे हैं? आप नहीं समझेंगी, आपके कपड़े तैयार हैं, जाइए जाकर आप ट्राई कर लीजिए। पता नहीं कैसे पागल से खाना पड़ा है। अरे राजा, तेरे बताए हुए नाप के हिसाब से मैंने सारी ड्रेसें बना दी, अगर एक इंच भी ऊपर नीचे हो गया तो ये मेरी दुकान ऊपर नीचे कर देगी। अबे घबरा मत यार, ऐसा कस के नाप लिया था मैंने लिफ्ट में। आज जाकर पूछूंगा ऊपर वाले से कि तूने मुझे दो चार हाथ और क्यों नहीं दिए नाप लेने के लिए। यू फ्रॉड। ये लो कपड़े।
ये लो पकड़ो, ये भी लो। ए, ये तेल मैंने गांव से मंगाया है। आपके हड्डियों में से कड़कड़ की आवाजें आती है ना, आवाज और हड्डियां दोनों गायब हो जाएंगी। क्या मतलब है? मेरा मतलब है आवाज और दर्द दोनों गायब हो जाएंगे। ये तेल पहले किसी पे आजमाया कि डायरेक्ट मुझे पे आजमा रहा है? नहीं नहीं, आजमाया ना। हमारे गांव में एक आवारा सांड था, उसको गांव वालों ने मिलकर पीटा, हमने उस पे आजमाया, सांड ही गायब हो गया। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब जिस गांव से आया था ना, उस गांव वापस चला गया। तो मैं अलीबाग से हूं, तो क्या मैं वापस अलीबाग चला जाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल, यहां रहकर कब तक पिटते रहेंगे? मैं इस ढाबे वाले को नहीं छोड़ूंगा, उससे निपटने के लिए मैंने पूरी पुलिस फोर्स बुलाई है, अभी आती होगी। गुड मॉर्निंग सर। आइए आइए। इंस्पेक्टर अजगर सिंह रिपोर्टिंग। वेलकम सर। थैंक यू। सेठ जी, ये घड़ी तो बड़ी खूबसूरत है, स्विट्जरलैंड की है। सर आप ये ढाबा गिरवा दीजिए, ये क्या मैं आपको 10 घड़ियां ला के दे दूंगा। फिलहाल मैं इसको रख लेता हूँ, 9 और मंगवा दीजिएगा। लवली लवली लवली, अरे बड़ा खूबसूरत चश्मा है, इटालियन कंपनी का लगता है। अरे सर ये क्या है, आप जरा वो ढाबा गिरवा दीजिए, मैं आपको 10 चश्मे मंगवा दूंगा। अभी फिलहाल मैं इसको रख लेता हूँ, 9 और मंगवा दीजिएगा। ये तो अली बाबा 40 चोर का बाप लगता है, आते ही लूट मार शुरू कर दी। अरे छोड़ना यार, वो ढाबा गिराने के लिए लूटने तो क्या, मैं मिटने को भी तैयार हूँ। चले सर। हाँ हाँ चले, इसको बाद में देखते हैं। कहाँ है वो ढाबे वाला? उसने बहुत तंग किया मुझको, आज उसको पकड़ लीजिए सर। हाँ फिकर मत की मेरे। किधर है वो गुंडा? ये क्या है, बिना लाइसेंस के दारू बेचता है? साहब ये दारू वारू नहीं, पानी है। शट अप। ये वो दारू है जिसको पीकर सूरत में 15, आंध्र प्रदेश में 20 और उत्तर प्रदेश में 25 आदमी मर गए। ऐसे कैसे साहब? अरे लगा हथकड़ी साले को। अरे क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ी पकड़ना, दारू वालों को पकड़ने चला है, बड़े वाले गुंडे को पकड़ो ना। तो ये वो नहीं है? हट। किधर है बड़ा गुंडा, बुलाओ उसको, बुलाओ। देखा आपने कैसे हिल गया? राजा भैया बाहर पुलिस आई है। बाहर आओ ढाबे वाले। चलो चलते। राजा भैया पहले दाढ़ी तो बना लो। पहले इनकी हजामत कर दूं, बाद में अपनी दाढ़ी बनाता हूँ। आओ। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या चक्कर है? ये वो ढाबे वाला। अच्छा, शेविंग क्रीम लगा के आया है ताकि चुपके से निकल सके। चुपके से कौन निकलेगा, ये तो क्रीम निकलने के बाद ही पता लगेगा। शट अप। इस शहर में मेरा ये पहला केस है, आखिरी भी हो सकता है। अरे चुप, देखता हूँ तुम कितने बड़े गुंडे हो। हवलदार गिरफ्तार कर लो इसको। अरेस्ट टीम। एक मिनट, गिरफ्तार करने से पहले क्रीम तो निकालने दो। हाँ निकाल लो। रुमाल है आपके पास? रुमाल है आपके पास? रुमाल भी मेरे लेंगे, अपना निकालो ना। पहली बार किसी को अपना रुमाल देना पड़ रहा है। रुमाल ला पकड़। ये शेविंग क्रीम लगा के मुझे उल्लू बना रहा है। अरे मैंने बड़े बड़ों को पकड़ा है साहब, ये चीज क्या है? सही बोल रहे हैं। झूठ बोलेंगे। चलिए इंस्पेक्टर साहब। अबे तू इधर भाग, इधर भाग, इधर भाग, इधर भाग। अरे इसे क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे में क्या है जिसको देखकर वो तूफान मेल की तरह भाग गया? ये अंदर की बात है सेठ, जिस दिन आपको ये राज मालूम पड़ेगा ना, आप भी इसी तरह दुम दबा कर भाग जाओगे। मेरा नाम के सिंघानिया है बच्चे, मेरे सामने बड़े बड़े तुर्रम खान नहीं टिक सके तो तू कौन से खेत का बैंगन? बैंगन नहीं मूली, मिसाल टिक से दिया करो। हाँ वही मूली सेठ, ऐसी मूली हूँ ना मैं, खाओगे तो नाक मुंह का नाक और यहाँ वहाँ सब जगह से पानी पानी निकलेगा। मैं मूली खाता ही नहीं हूँ, समझ गया? अजय जल्दी जल्दी काम करो रे। हाँ सब होना चाहिए। फैमिली रूम बना रहे हैं। फैमिली रूम वो क्या के लिए? अरे शादी करके बीवी लाएंगे तो आपके होटल में रखेंगे क्या? अबे मैं तेरा ढाबा गिराने के चक्कर में तू फैमिली रूम बना रहा है? अरे आप किस चक्कर में, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? सेठ जी आप समझते नहीं है, आपकी हमारी ताजी ताजी दुश्मनी हुई है, अभी दुश्मनी बरकरार रखने के लिए बच्चे तो होना चाहिए ना। आज आपके हमारे बीच में, कल बच्चों के बीच मारामारी होगी, फिर उनके बच्चों के बीच मारामारी होगी, अभी सब चलता रहेगा। आप नहीं समझेंगे, आप बच्चे हैं।
बेटा तेरे को बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैंने भी म्यूनिसिपल कमिश्नर को फोन करके तेरा ये फैमिली रूम और ये ढाबा नहीं गिरा दिया तो मेरा भी क्या नाम भूल गया क्या अपना ही? अबे के कैसे गानिया नाम नहीं हो गया इधर। हाँ मालूम है। आइए तोड़नार साहब। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। यही है वो ढाबा? जी हाँ यही है, मखमल में टाट का पैबंद, मेरे फाइव स्टार होटल में ग्रहण। अच्छा, ओए प्याज के छिलके इधर आ, इधर आ। देख 5 मिनट के अंदर ये ढाबा खाली कर वरना बुलडोजर चला देंगे और नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अरे साहब ये क्या करने जा रहे हैं, हमारा साहब आएगा तो लफड़ा कर देगा। क्या रे, तेरा साहब कोई कलेक्टर है कमिश्नर के मिनिस्टर है जो लफड़ा कर देगा? देख एक तो ये ढाबा बनाया ऊपर से इलीगल माला चढ़ा रहे हो, ये गैर कानूनी है, टूटना चाहिए। इस देश में बहुत कुछ गैर कानूनी है तो सबको का तोड़ते रहोगे? आए ऑर्डर मिलता है ना तो सब कुछ टूटता है। अरे दूसरे की जगह पर तुमने ये ढाबा बनाया, तुम्हारा राज चल रहा है क्या? राज तो सरकार का भी बराबर नहीं चल रहा है, बार बार बदलती रहती है तो हमारा कैसे चलेगा? लेकिन आज ये सरकारी बुलडोजर चलेगा, मतलब चलेगा। ए चला रे, एक फोन लगाएगा। फोन? हाँ इसके पास फोन भी है, 3-3 लाइन भी है। हा? इनके ढाबे में जितने रहते हैं ना वो हमारे 5 स्टार से फोन लगाते हैं। अबे तेरी तो अरे छोड़ो इसे, वो मेरा गला दबा दिया। हेलो, हम मंत्री कालू प्रसाद बोल रहे हैं। कौन कालू? हाँ मौसा जी, चरणों में प्रणाम स्वीकारिए। अरे प्रणाम रे, कैसा है तू? अरे कहाँ बता, बहुत संकट में है। कहाँ बता रे? अरे हमने आपको बताया था ना वो यहाँ पर मुझे 5 स्टार का प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ तो वो 5 स्टार का मालिक जो है यहाँ पर बुलडोजर लेकर आया है हमारा ढाबा गिराने के लिए। अरे क्या बात करता है रे मुन्ना, अरे कोई तोरा ढाबा गिरा देगा तला हम दिल्ली में सरकार नहीं गिरा दूंगा। बात करता है, अरे कौन अफसर है, फोन दे रहे ससुरा के? हम फोन धरा रहे हैं मौसा जी, आप इनसे बात कीजिए। बात कीजिए भाई, आप बात कीजिए। नहीं नहीं। हाँ मौसा जी, ये लोग फोन धरने के लिए परेशान हो रहा है, हमने स्पीकर ऑन किया हुआ है, आप इनको बोल दीजिए फोन पे। ए अफसर कान खोल के सुन ले, हम बोल रहा हूँ किंग माकर, अगर हमारा मुन्ना का ढाबा तोड़ दिया ना तो साला याद रख हम तुम्हारा कुर्सी तोड़ दूंगा रे। नहीं नहीं, नहीं तोड़ेंगे। अरे मान रहा है कि नहीं रे वो? अरे माने कैसे नहीं, उसकी खोपड़िया से बहता हुआ पसीना साफ साफ कह रहा है कि ससुरा मान गवा है। अरे वो सेठ का बोलेगा, उसका तो खुद का 5 स्टार का ऊपर का 2 माला साला गैर कानूनी है, वो तो कोई नहीं तोड़ता। अरे हम तोड़ेंगे रे। ए अफसर, ये जो होटल के नीचे का 2 फ्लोर है ना वो जल्दी गिरा दो, चलो। अरे नीचे का माला गिराएंगे तो ऊपर के सारे माले गिर जाएगी साहब। हाँ तो ठीक है मौसा जी, ऊपर का ही 2 गिरवा दीजिए। हाँ तो ऐसा करो, ऊपर का गिरा दो जल्दी। अच्छा मौसा जी, जा बजरंग बली तोड़ डालो, वरना मौसा जी को बोल डालेंगे। नहीं नहीं, वो तुमको फोड़ डालेंगे। नहीं नहीं, कहाँ समझते हो बिहार को? नहीं कुछ नहीं, मैं चाह रहा हूँ ना। अबे भास्कर, बुलडोजर का मुंह उस तरफ मोड़ दो, ऊपर के 2 माले तोड़ने, चलो। चला पाओ, आओ पहला वाला तोड़ो पहला। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पिछली बार उस ढाबे वाले से आपने पंगा लिया तो हफ्ते भर तरह तरह के तेलों से मैंने मालिश की थी, इस बार पंगा लिया तो ये हालत हुई। उसने मेरे होटल के 2 माले गिरा दिए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। गरम मत हो, ये आप गरम होने से बर्फ पिघल जाती है, 30 किलो बर्फ खत्म हो गई है, 40 चल रहा है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या हुआ डैडी? तबीयत ठीक नहीं है। आप नीचे चलिए, आपकी 2 मिनट में तबीयत ठीक करती हूँ। क्यों, कोई स्पेशली डॉक्टर लेकर आई है? डॉक्टर नहीं, आपका होने वाला दामाद आया है। ये दूसरा नया दामाद? दामाद नहीं, वो अखबार हुआ डेली चेंज। शट अप इडियट। डैडी चलिए ना, वो इंतजार कर रहा है नीचे। घर तो अच्छा है राजा, अब ये देखना है कि होने वाला ससुर कैसा है। हे भगवान, ये खड़ूसिया क्या कर रहा है? ये कौन है, मुझको देखकर उछल कर उस तरफ मुंह फिरा के बैठ गया? थोड़ा सा शर्मीला है, आपसे डरता है ना डैडी? डरने की क्या बात है, मैं कोई भूत हूँ, राक्षस हूँ, खा जाऊंगा उसको क्या? सेठ जी से पहले जो आया था ना उसने आंखें छुपा रखी थी, उसकी आंखों में गड़बड़ थी, इसने मुंह छुपाया, कहीं इसके मुंह पे लाना तो नहीं? अरे नहीं यार, एक लगा जरा
मर्दों की तरह अपना चेहरा दिखाना तो भाई। देखिए अगर आप मुझे देख लेंगे तो आपकी जिंदगी में तूफान आ जाएगा, आप हिल जाएंगे, आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। ऐसा कौन सा खूबसूरती का भंडार तुम्हारे चेहरे पर रखा जिसको देख के मैं हिल जाऊंगा? अपना चेहरा दिखा। देखिए बच्चों ने कहा कि अच्छे बुजुर्ग जिद नहीं करते। अरे बच्चों की ऐसी के तैसी तुम अपना चेहरा दिखाते हो या उड़ के तुम्हारा हाथ खींच लूं मैं, चेहरा दिखाओ। वैसे मैं चाहता तो नहीं था मगर फिर भी आप इतनी जिद कर रहे हैं तो लीजिए, पेशे खिदमत है ये। अरे ये तो गए। डैडी डैडी अरे क्या हो गया इन्हें, क्या हो गया, कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे फायर ब्रिगेड बुलाओ, दोस्तों को बुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, अरे गाने वालों को बुलाओ, रोने वालों को बुलाओ। उल्टी सीधी फालतू बात करता है बेवकूफ। बाकी हाँ इनको कहीं मिर्गी की बीमारी तो नहीं है? मिर्गी? अरे हाँ, अरे जूता सुंघाओ, सड़ा हुआ प्याज सुंघाओ। मेरे पास सुंघाता हूँ जूता। सेठ जी जूता सुंघिए और होश में आइए। सेठ जी अब इनको सड़ा हुआ प्याज सुंघाओ या फटा हुआ जूता, होश तो इनको इंटरव्यू के बाद ही आएगा। अरे कहाँ हो तुम अजी, कहाँ हो? अरे बाथरूम में तो आराम से बैठने दो ना। जल्दी आइए, बाहर आइए, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। जल्दी आइए ना, जल्दी बाहर आइए। कौन सी मुसीबत आ गई, कौन सा भोचाल आ गया? किरण भाग गई है घर से। देखिए पढ़िए, ये सब आपकी जिद का नतीजा है। डैडी मैंने और राजा ने शादी करने का फैसला कर लिया है, आज शाम 5 बजे बांके के घर पे हम दोनों शादी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, चलो अपनी पहन तो पहन लीजिए। पहन को मारो गोली, मेरी इज्जत उतरी जा रही है, ये भी गिर जाएगा। चलो सुनिए चलो चलो तो। ओम श्रमंगल मांगल्य शिव स्वाहा शादी के शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब आप खड़े होकर फेर ले पकड़ो। ओम मंगलम भगवान। ये शादी नहीं हो सकती, बंद करो। यमदूत आ गया, भागे भागे, रोक इसको, रोक इसको, भागे। कौन है? कौन है? आप लगे रहो, मैं बुढ़ों को देखता हूँ, आने दो। ये टावल छोड़ दिया? आप जिद छोड़ दो, मैं टावल छोड़ दूंगा। अरे पंडित जी ये 420 है, ये मकारी है, जालसाजी है, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। अरे इसकी बातें मत सुनो, तुम लोग घूमते रहो, पागल हो जाएगा। ए पंडित अरे बंद करो यार। चली करो पंडित जी, हो गया हो गया, टावल मत छोड़ना भाई, टावल मत छोड़ना। विवाह संपूर्ण हुआ। क्या बात करें, हो गया? अब आप दोनों पति पत्नी हो गए। अरे ऐसे कैसे पति पत्नी हो गए, कन्यादान तो हुआ नहीं। कन्यादान मैंने किया सेठ जी। अब आप दोनों जाकर आशीर्वाद लीजिए। पहले आप जाइए ना, मुझे बहुत शर्म आती है। नहीं नहीं मैं इस फुटबॉल प्लेयर का आशीर्वाद नहीं लूंगा। जाइए ना। अच्छा तुम कहती तो मैं डील करता हूँ। ससुर जी सासू जी देखिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती, बंद करो। मुबारक हो सिधारी जी, मुबारक हो। अबे किस बात की मुबारकबाद, एक तो मेरे दुश्मन से मेरी बेटी की शादी करा दी, ऊपर से मुबारकबाद दे रहा है। शादी मैंने? हाँ तूने, अगर तूने मेरा टॉवल ना पकड़ा होता तो मैं एक फेरा ना होने देता, ऊपर से तूने मेरी बेटी का कन्यादान कर दिया, तू होता कौन है बे? कन्यादान? मैं खुद लोगों से दान मांगता फिरता हूँ, मैं कहां से कन्यादान करूंगा? सिटानी जी आपके भाग फूट गए, सेठ जी तो सरक गए, डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप कराइए, मुझे टेंशन हो रही है। मैं मारूंगा इसको, बहुत मारूंगा। ठीक ही तो कह रहा है ये, आप क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं, कैसी शादी, किसकी शादी, जरूर आपने कोई सपना देखा। अरे काहे का सपना, इसने मेरा टॉवल पकड़ा। मेरा टॉवल किधर है? मेरा टॉवल किधर है? कौन सा टॉवल? मेरा टॉवल किधर है? मेरे पास रुमाल नहीं, टॉवल कहां से लाऊं? अरे हाँ मैं सपना देख रहा था, किरण बेटी की शादी नहीं हुई। अरे किरण बेटी की शादी नहीं हुई, मेरे कपड़े भी वही है, देखो सब कुछ वही है जी। न जाने आप क्यों बेहोश हो गए थे। मैं क्यों बेहोश हो गया था? मालूम नहीं सेठ जी, लेकिन आपको होश में लाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। सड़े हुए प्याज सुंघाए, माली की गंदी बनियान सुंघाई, बदबूदार जूते सुंघाए, देखो जूतों का ढेर लगा हुआ है, जूते बेहोश हो गए फिर भी आप होश में नहीं आए। उसके बाद मैंने अपने ये सॉक्स सुंघाया तब होश में आया। इसको जेब में रख, इसकी सड़ी हुई बदबू सुंघे, मैं सपने से बाहर आ गया। होश में तो आया करता है इसे, होश में। किरण बेटी कहाँ? वो अपनी सहेलियों के साथ फार्म हाउस गई है। सहेलियों के साथ कहाँ गई होगी? जरूर ढाबे वाले के साथ गई होगी। मुझे बहुत गड़बड़ लगती है सेठ जी, आप उसको संभालिए वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अबे बेटी मेरी है, तू कैसे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा? जब आपका मुंह काला होगा तो मेरा नहीं होगा। हेलो राजा ढाबे वाला स्पीकिंग।
पूरे शहर में डाका डालने के लिए तुझे मेरे ही घर मिला था क्या? मेरे बुजुर्गों ने कहा है कि डाकुओं के घर डाका नहीं डालते। अच्छा, क्या बोला, डाकू? नहीं, मेरा मतलब सेठ जी, आपने मुझे याद कैसे किया? तो एक काम कर, जितनी जल्दी हो सके मेरे घर पहुंच तू। क्या करते सेठ जी, बारात वारात लाने में टाइम तो लगता है ना। अबे तेरी बारात तो मैं निकालूंगा, तू अकेले पहुंच पहले। अच्छा समझ गया, बारात से पहले लेन-देन की बात करनी है, अभी आता हूं। अबे आपको नहीं बोल रहा हूं, छोटू ऑटो ला। Enjoy yourself, girls. ए शाने, रस्ते के बीच में बोतल फोड़ता है, पागल है क्या? शाने, क्या करता है यार तू, क्या करता है तू? सिंगल फसली है। लेकिन साहब, अरे चुप रहे यार, ये फाइटर असली है, तो क्यों इसके साथ भिड़ रहा था? मरना है क्या तेरे को? मरना है? अरे ये क्या तगड़ी चीज है, ये क्या बॉम्ब है, मालूम है तेरे को ये क्या है? मालूम है? समझा इसको। अरे इसको लगेगी भी नहीं, जितना तू अगर इसको मारेगा ना उतनी तेरे को लगेगी। तेरे को देखने का ये लगी नहीं लगेगी, और देखने का तेरे को, और देखने का ये था, ये था, ये था, ये था। देख नहीं लगी। अच्छा अभी देगा, अभी मैं इसको लात मारूंगा, ऐसी दवा का लात मारो ना, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको नहीं लगेगी यार ये। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है भाई। अगर मैं इतना बड़ा पत्थर उठा के इसके सिर पे ऐसे पटक दूंगा ना, तो भी इसको कुछ नहीं होने वाला है। देखने का तेरे को, देखने का क्या? समझ गया वो? नहीं नहीं, तू बोल। समझ गया, पागल आदमी यार, किसके मुंह लग रहा है यार, तू समझा नहीं इसे। अब जाइए भाई साहब, आपकी बहन आपका इंतजार कर रही है, अपन लोग भी चले चले चले। ये मेरी बहन नहीं है, वो आपकी गर्लफ्रेंड है। सॉरी यार, दिल पे मत लेना भाई, चल 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 रहे, निकल तू पागल। अच्छा हो गया, वो आ गया तुम। अरे निकल, तेरे को मालूम नहीं कितना बड़ा आदमी है। अच्छा भाई सॉरी, हाँ माफ कर रहा है, लल्लू है साला। हंस क्यों रहा है तू? चूना लगा गया, चला गया ना धुलाई करके। तुझे कैसे मालूम? पिछले हफ्ते मेरे में तो धुलाई की थी उसने। तो पहले क्यों नहीं बताया? वो मारता था ना मेरे को फिर से। अरे सेठ जी, वो 100 रुपए का छुटा गया? नहीं, वो 20 रुपए। सिर्फ 20 रुपए? अरे सुनना इधर ना, वो बाहर एक रिक्शा वाला खड़ा, उसको 10 रुपए देना, 10 रुपए खुद टिप रख लेना। हाँ बोली, क्या बात थी, किसलिए बुलाया था मुझे? बैठो। नहीं यहाँ बैठ। क्यों यहाँ बम रखा है क्या? अच्छा यहाँ बैठ जाओ। अच्छा बैठिए बैठिए। हाँ सर जल्दी बोलिए, धंधे का टाइम है क्या? आज मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारा ढाबा नहीं तोड़ूंगा। वो तो ऐसे भी नहीं तोड़ सकते थे, इसमें सोचा क्या? देखो मेरी पोजीशन और तुम्हारी औकात के बीच में जो बहुत बड़ा फासला है, वो समझाने के लिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। आपकी पोजीशन और मेरी औकात में जो बहुत बड़ा फासला है, वो तो आते ही मैंने देख लिया। देखिए मेरे पास ये 100 का नोट था, आपके पास 20 का नोट था, 80 रुपए का फासला है। आज मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, मगर मुझे तो आपको देखते ही मजाक सूझता है। सेठ जी एक बार जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर आपकी बेटी की और मेरी शादी हो गई, तो ये आपका होटल है और ये मेरा ढाबा है, ये लड़की का ससुराल है, ये लड़की का मायका है, लड़की फुदक के कभी ससुराल में, कभी फुदक के मायके में, दिन भर फुदकती रहेगी। एक लड़की है, अगर हस्ती खेलती रहेगी तो आपका जाता है। आज तुम्हारी हैसियत तो मेरी औकात के बीच में कितना बड़ा फासला है, वो मैं दिखाता हूँ तुमको। चलो मेरे साथ, कम ऑन। ये देख, औकात दिखाऊं? ये मेरी बेटी के कपड़े, जिस कपड़े को एक बार पहनी थी दोबारा उसको हाथ नहीं लगाती है। और देख, मेरी बेटी के जूते, जिस जूते को एक बार पहनी थी दोबारा उसमें पैर नहीं डालती है। और देख, चल उधर, ये देख, और ये सब मेरी बेटी के परफ्यूम्स हैं, ये सब पेरिस से आते हैं। और ये देख, ये ज्वेलरी कीमत सुना है इनकी? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। और ये करोड़ों की ज्वेलरी, एक एक सेट 50-50 लाख का है। ये देख, कपड़े में नहीं देखा होगा तूने, ये देख, ये सब मैं अपनी बेटी को देने वाला हूँ। तेरे पास क्या है? मेरे पास ढाबा है ना, और फिर आपके बाद ये सब मेरा ही हो जाएगा। एक लाफा मारूंगा खींच के। तू ये बक्से का वजन नहीं उठा सकता, मेरी बेटी को क्या खाक संभालेगा? अरे उठाने के लिए तो मैं आपको भी उठा सकता हूँ, लेकिन मेरा फिलहाल ऐसा कोई मूड नहीं है। और बाकी बात, ये जेवर मुझे मत दिखाना सेठ जी, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कह रहा गरीब आदमी। हाँ ये बैग की बात करोगे तो इस बैग को तो मैं उठा ही सकता हूँ, और उठाने के साथ साथ इसको लेकर भाग भी सकता हूँ। मेरी चाचू जी, प्यारी प्यारी चाचू जी, मेरी चाचू जी। अरे तुम क्या फूली खेल रही हो, पकड़ो।
अरे बोल अच्छा पकड़ा चोर पकड़ा पकड़ा जी खाली है? हाँ खाली है। वो आदमी मेरा लाखों का माल लेके भाग रहा पीछा कर अभी लो जी। अरे क्या दरवाजा है यार ए! अबे पीछा तो मुझको करना तू कहाँ जाए खाली है? हाँ साहब। एक मिनट नहीं तो तू भाग जाएगा। वो आदमी है ना मेरा लाखों का माल लेके भाग रहा है उसका पीछा करो। हाँ ठीक है। हा? ये मुंबई की पब्लिक को हो क्या गया? वो गाड़ी लेके भाग गया, ये खुद भाग गया। अबे ए, कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसा है? सर इस बैग को जब्त कर लीजिए सर, इसमें करोड़ों रुपए के हीरे जेवरात हैं। क्या? हाँ। लेकिन ये जेवरात तुम्हारे पास आए कहाँ से? सर ये किसी के पास दो नंबर का माल पड़ा हुआ था, उसके हाथ से बहुत मुश्किल से छीन कर लाया हूँ सर। वो मेरे पीछे पीछे भाग कर आ रहा होगा सर। ये आ गया सर। ए, मिस्टर इसी के ये माल तुम्हारा है? नहीं मेरा नहीं है, मैं ऊपर जा रहा था नीचे आ गया, मेरा नहीं है। अरे क्या ऊपर नीचे कर रहा है, झूठ बोल रहा है सर, इसी का है ये माल। वेल डन यंग मैन, तुमने सरकार की मदद की है। थैंक यू। इसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। कितने? 10%। अरे निकल पड़ी। अपना नाम और पता यहाँ लिखवा दीजिए। अरे पूरे खानदान का नाम लिखा दूंगा मैं। एक मिनट। हेलो हाँ जरा वहां से शर्मा जी और शशि सिन्हा को भेज दीजिए। जी आप तो बेचारे रोड पे आ गए, अच्छा मुंह में जबान भी नहीं रही। सेठ जी मेरी एक बात सुनिए ठंडे दिमाग से। देखिए अब तो आपके और मेरे औकात में जो बहुत बड़ा फासला था वो 90% तो खत्म हो गया। अब तो आप भी नंगे हम भी नंगे, कर दो कन्यादान और नहाओ गंगे। तेरी तो मेरा जूता। सेठ जी आइए, सेठ जी क्या खाएंगे? ये जूता। सेठ जी को जूता खिलाओ। अबे जूता खिलाओ नहीं, उतार के दे, मेरा जूता लटका के रखा है तूने। देखिए सेठ जी लोग अपनी दुकान चलाने के लिए घोड़े की नाल लगाते हैं, मैंने आपका जूता लगा दिया है। और जब से जूता लगाया है मेरा धंधा इतना अच्छा चल रहा है ना कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं जूता ले दूंगा, मेरे से होगा नहीं। अबे बिना पेंदी के लोटे तू इधर क्या कर रहा है? इधर खाना खाने आया था। अबे तू मेरे होटल का मैनेजर है, खाना इधर खाता है? क्या है कि मेरी तनख्वाह तो आपके यहाँ खाने पीने में चली जाती है, बचता क्या? आप सोचिए मेरे फ्यूचर का क्या होगा। फ्यूचर? अरे ये गोरा ये मेरे होटल में रहता, खाना इधर खा रहा है। सिर्फ ये गोरा ही नहीं, ये काला वो पतला वो मोटा ये सारे अपने होटल में रहते हैं लेकिन खाने यहाँ आ जाते हैं। क्यों? मेरा खाना क्या सड़ा हुआ है? इनके पेट में दर्द होने लगता है। यहाँ से आपका खाना 4 गुना महंगा है, ऊपर से सेल टैक्स मेल टैक्स ये टैक्स, ऊपर से मेरे होटल में जो खाए एक बार वो आए यहाँ बार बार। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। मैंने आपका नमक खाया है, अभी तो मेरे से मार भी खाएगा। सटिया गए हैं आप। कुछ नहीं कुछ नहीं। ये ढाबे वाला बहुत परेशान कर रहा है, इसको रास्ते पे लाना पड़ेगा। जी मुझे कहाँ लेकर आ गए आप? बताता हूँ ये पर्ट बोर्ड। वेरी गुड, भेज दो होटल, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अबे ये बोर्ड मेरा नहीं है, मेरा बोर्ड ये। अरे बाप रे, महाराजा इंटरनेशनल का नया रेट, ये क्या चिकन मसाला 175 का 25 रुपीस और राइस 120 का 20 रुपए, तंदूरी फिश 100 रुपए का 100 रुपए और ये क्या एक बियर के साथ कैमरे मुफ्त। क्या कर रहे हैं आप, बर्बाद हो जाएंगे आप। उस ढाबे वाले को जड़ से उखाड़ने के लिए मैं कुछ दिनों के लिए बर्बाद होने को तैयार हूँ, मानता है ना मेरे दिमाग की स्कीम को? अब उस ढाबे पे कौवे भी नहीं बोलेंगे। अरे रे 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 रे, तुम सब लोग यहाँ बैठकर क्या खाना खा रहे हो? उधर वो 5-स्टार होटल में 20 रुपए में पेट भर के खाना, साथ में बियर और कैबरे भी फ्री में। क्या उठो, आप सच कह रहे हैं? हाँ चल के चलो भाई, चल के देखते हैं। आओ आओ जल्दी आओ, चलो यार। अरे आप लोग कहाँ भागे जा रहे हैं भैया?
अरे अरे छोटू कहाँ हुआ, कहाँ जा रहे हैं ये लोग है? अरे राजा भैया उस चठवा का देखो, अपने होटल माँ खाना का दाम गिराए के और होटल माँ कैबरे डांस का प्रोग्राम जमाए के ये अपने ढाबा के गिरावे का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। ओहो, यानी के बुढ़ा चाल पे चाल चला जा रहा है। हाँ, बिच्छू का मंत्र मालूम नहीं और साहब के बिल में हाथ डाल रहा है। हेलो, केके स्पीकिंग। सेठ जी कमाल हो गया, कमाल हो गया। अरे आपके दुश्मन का धंधा ऐसे साफ हो गया जैसे मुंडन के बाद सर के बाल साफ हो जाते हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं, शाम तक देखना उसका ढाबा भी साफ हो जाएगा। और तू एक काम कर, कल रात की एक ट्रेन की टिकट मंगवा के रखना। सेठ जी क्या आप गाँव जा रहे हैं? अबे उल्लू के पट्टे, मैं नहीं जा रहा हूँ, वो ढाबे वाले को भेज रहा हूँ। दुश्मन के गले में अपनी जीत का और उसकी हार का हार पहना कर रवाना करूंगा। बस मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हा? क्यों बाके, क्या हाल है दुश्मनों का? दुश्मन का हाल छोड़िए, अपनी जेब से रुमाल निकाल लीजिए। क्यों? आंसू पोंछने के लिए रुमाल तो क्या, चादर भी छोटी पड़ सकती है आपको। क्या बकवास करता है बे? वो देखिए, ये इतनी भीड़ क्या की यार, लोग लाइन लगा के क्यों खड़े? जो लोग बैठे खा रहे हैं ना, ये उठेंगे तब इनका नंबर लगेगा, ये खा के उठेंगे तो औरों का नंबर लगेगा। सारी कहानी उल्टी पड़ गई सेठ जी, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन निकला है। वो कैसे? आइए आपको बताता हूँ। इधर चलिए, आपको पढ़ना लिखना तो आता है ना? तो पढ़िए। भाइयों और बहनों, आओ पेट भर के खाओ, जब जी में आए चुकाओ, नहीं तो मत चुकाओ। जय हिंद। जय हिंद। ये रही ट्रेन की टिकट। अबे उल्लू के पट्टे, जब तुझे पता है कि उल्टी गंगा बह चुकी है तो फिर उसके लिए ट्रेन की टिकट लाने की क्या जरूरत है? इसकी ट्रेन की टिकट नहीं, आपके गांव की टिकट, अलीबाग की। हाँ? क्या बोला? जनाब कहाँ है, बुलाओ मेरे दुश्मन को। सेठ जी इसे कहते हैं कबूतर चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। अबे कबूतर नहीं कौवा, कम से कम मिसाल तो ठीक से दिया कर। अभी आपको मिसाल के अंदर घुसने की क्या जरूरत है? वही तो मैं बोल रहा हूँ। खैर 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 खैर, मेरा ढाबा हटाने के लिए आप साम दाम दंड भेद सारे प्रयोग अपना चुके, लेकिन आप नाकामयाब रहे। अगर वाकई आपको मेरा ढाबा हटाना है तो एक चांस मैं आपको देता हूँ, आपको मेरे साथ मुकाबला करना पड़ेगा। काहे का मुकाबला? गाने बजाने का। अगर आप जीत गए तो मैं ढाबा हटा दूंगा, अगर मैं जीत गया तो आपको अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। अरे मेरी निकल पड़ी। जी बिना सोचे समझे आपने हाँ बोल दिया, गाना बजाना पे काम है। अबे तेरे को नहीं मालूम, इसको भी नहीं मालूम। क्या? मैं खानदानी मीरासी हूँ, होटल से पहले हमारा यही सब तो काम था। मेरे को पहले से शक था माँ कसम, लेकिन दिल मानता नहीं था। सड़क पे थोड़ी गाता बजाता था, खानदानी मतलब रजवाड़ों के यहाँ गाता बजाता था, मगर एक चीज में बहुत कमजोर हूँ। क्या? शायरी नहीं आती। अरे उसकी फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैं भी सड़क छाप शायर हूँ। शायरी की टांग तोड़कर आपको पेपर पे लिख कर देता रहूंगा, बस आप सुर ताल संभालिए। मास्टर जी, डॉक्टर ने कहा है कि 2 दिन में आपका प्लास्टर उतर जाएगा, फिर तो आप भरतनाट्यम धूमधाम से कर सकते हैं। ये आप बार बार ऊपर क्या देख रहे हैं? अयो बेबी, हम जमीन पे हाथी घोड़ा से लड़ सकता है, वो चौकरा से नहीं। वो चौकरा 2 बार हम पर गिर के टांग काला मिलाया जी, अब वो चौकरा हमको मिलेगा ना, हम उसका टांग काला मिलाएगा। आप भी कैसी बातें करते हैं मास्टर जी। अरे मर गया मेरा टांग टूट गया, पकड़ो इस कमीने को, हरा भी लोग। मेरा दूसरा टांग भी टूट गया अम्मा। सुनिए अजी, उठिए ना, उठिए ना अजी, उठिए, उठिए ना, उठिए। अरे क्या है बाड़ा की इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, क्या मुसीबत है? रात के 2 बजे है और किरण अभी तक नहीं आई है। अरे आ जाएगी, सो जाओ। कमाल है, बेटी रात भर लापता है और बाप फराटे भरी नींद सो रहा है। किस बाप बेटी में झगड़ा नहीं होता? इसका मतलब ये तो नहीं कि बाप बेटी से इस तरह मुंह मोड़ ले? अरे मैंने मुंह नहीं मोड़ा भाग्यवान, मैं अपनी बेटी को तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ये कैसा प्यार है जी? अब लगता है भांडा फोड़ना पड़ेगा। सुना एक बात बताता हूँ, बहुत रात की बात है, किसी को बोलना नहीं। कान लो, मैंने है ना अपनी बेटी को खुद किडनैप करवा लिया है। क्या? आपने किडनैप करवाया? पर क्यों? उस लुच्चे लफंगे ढाबे वाले के चुंगल से छुड़ाने के लिए। वो मेरा दामाद बनकर मेरे मुंह पे जूता मारना चाहता था, मैंने जूता ही छुपा लिया।
ये क्या उठपटांग काम कर दिया आपने? उठपटांग नहीं, अपनी टांग को ऊपर रखने का यही एक तरीका था। अपनी इज्जत के लिए मैं खुद को किडनैप करवा सकता हूँ, तुमको उठवा सकता हूँ, क्योंकि घर के आंगन से अगर एक मरतबा इज्जत चली जाए तो कभी लौट के वापस नहीं आती। नाक काट के रख देती है और मुझे अपनी नाक से बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को किडनैप करवा लिया। बताइए ना कहाँ है वो? अच्छा बता दूं? एक बात बताओ, तुम मेरी तरफ होगी उसकी तरफ? आपकी तरफ। ये कैसा मेरी तरफ से? अपनी बेटी जहाँ भी है ना बहुत आराम से, इसलिए तुम भी आराम से सो जाओ और मुझे भी सोने दो, मुझे कस के खराटे आ रहे हैं। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। किरण कौन है? सौ रुपए की छुट्टी है? अबे तू हमेशा यही 100 रुपए लेके घूमता, छुट्टी नहीं कराया अभी तक? क्या है कि मेरा रिश्ता इतने बड़े घर में होने जा रहा है तो मैंने आजकल ये छुट्टे उठे रखने बंद कर दिए। अपना मुंह कभी आईने में देखा है? देखा है, बहुत अच्छा है, आपकी लड़की को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए उसको मेरे साथ वो हो गया है और बहुत जल्दी हम लोग अपना वो करके अपना वो बसा लेंगे और आप वो देखते रह जाएंगे। वो क्या? इसे कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े और सांप के ख्वाब में अंडे। अच्छा आप अपने ख्वाब में अंडे देखते हैं? नहीं मैं तुझको देखता रहता हूँ। मैं तो वो अंडा हूँ, जब फूटूंगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तू यहाँ से जाता है कि नहीं? अरे खैर मैंने बहुत दिन होगा मैंने अपनी धर्म पत्नी को होने वाली मतलब की धर्म पत्नी को नहीं देखा। किरण किरण वो तुझसे नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? बहुत दूर जा चुकी है। कहाँ जा चुकी? वो नहीं बताऊंगा। अरे वो मैं पता लगा लूंगा। 7 जन्म में नहीं लगा सकता। अरे मैं ऊपर वाले से 8वां जन्म उधार लेकर पैदा हो जाऊंगा। 10 जन्म ले ले, अगर तू उसका पता लगा ले तो मैं तुझे मर्द का बच्चा मान जाऊं। अगर ऐसी बात है ना सेठ जी तो मेरा भी नाम राजा नहीं। अगर 24 घंटे के अंदर आप ही के मुंह से किरण का पता ना उगलवा लू। बाहर जाके कर, इधर ही हॉल में करूंगा। सेठ जी ये जूता भी लटका राजा भैया। आपने चैलेंज तो कर दिया, 24 घंटे में किरण को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन कैसे? सोच रहा है यार, कैसे सोच रहे हो? क्या बात है, क्या बात है सेठ जी, आज तो आप ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे पहली बरसात में मेंढक और कछुए खुश होते हैं। उल्लू के पट्टे, अबे किसी की तारीफ करते तो मिसाल तो अच्छी देनी चाहिए। मैं कछुआ हूँ, मेंढक हूँ, क्या है? बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बात क्या है? अरे खुश क्यों नहीं होगा, आज मेरा दुश्मन मेरी बेटी को ढूंढ नहीं पाया होगा, हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से आउट हो जाएगा। वो बबूल का कांटा है, इतनी आसानी से आउट नहीं होगा। एक बात बता, तू मेरा मैनेजर है, मुझसे पकार लेता है, तू मेरी तरफ है कि उसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ? नहीं नहीं आप समझे नहीं। अच्छा मैं नहीं समझा। मेरा मतलब है वो बालों में चिपके चिंगम की तरह है, जब चिंगम बालों में चिपकता है तो उतनी जगह के बाल काटने पड़ते हैं, लेकिन चिंगम अपनी जगह नहीं छोड़ता। अबे जगह तो क्या, मैं तो शहर छोड़वा दूंगा। हंसता क्या है? मैं शहर तो क्या, मैं घर छोड़ने को तैयार नहीं हूँ सेठ जी। ये आने वाला वक्त ही बताएगा, 24 घंटे गुजरने वाले हैं, उसके बाद तेरी हार और मेरी जीत। मैं इतनी आसानी से नहीं हारने वाला हूँ सेठ जी। तो क्या भरतनाट्यम में भांगड़ा करके हारेगा? वो तो पता नहीं, मगर आपसे तांडव और कुचिपुड़ी जरूर करवाऊंगा। इंस्पेक्टर अजगर सिंह रिपोर्टिंग। इंस्पेक्टर अजगर सिंह, अच्छा हुआ आप आ गए सर। अरेस्ट? आह मैं इसको नहीं, आपको अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। मुझे किस जुर्म में? इन्होंने कंप्लेंट लिखवाई है कि आपने अपनी बेटी का मर्डर किया है, खून। नहीं नहीं सर ये झूठ बोल रहा है। कानूनी तौर पर हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। सिपाही दीवारें खोद डालो, सोफे फाड़ डालो, कारपेट उधेड़ डालो, झूमर नीचे गिरा दो, और फिर भी अगर लाश नहीं मिले तो बाहर बुलडोजर खड़ा है, इस मकान पे चला डालो। अरे ऐसा कैसे? अरे अरे आप पुलिस वाले हैं कि इनकम टैक्स वाले? खड़कूड़ खड़कूड़ कर क्या कर रहे हैं? इस तरह के क्राइम ब्रांच से हमको खबर मिली है कि आपने इनकी अनारकली को अपने घर की किसी दीवार या खंभे में चुनवा दिया है। अनारकली टूट जाएगा यार। अनारकली अरे किरण किरण, अरे इस कभी ने बाप ने अपनी फूल जैसी बच्ची को मार डाला। नहीं नहीं ये सब झूठ है, ये हो ही नहीं सकता है। तुम बाप ने जल्लाद हो। अबे काहे को नाटक कर रहा है यार, ये खून मैंने किया ही नहीं है। अरे चूड़ीदार मेरे किरण को चूड़ीदार
ये हाथों की चूड़ियां भी वही है। अरे क्या खिला दिया, लड़की काली पड़ गई। लड़की काली मतलब जहर। मिस्टर केके, यू आर अंडर अरेस्ट। आपको कम से कम 14 बरस की सजा होगी या सजा है मौत। अरे यार कैसे हो सकता है, ये मेरी बेटी किरण है ही नहीं। अरे लेकिन है तो है कैसे, इसलिए कि ये हो ही नहीं सकती है। अरे लेकिन है तो हो कैसे, इसलिए कि किरण ये आ ही नहीं सकती है। अरे आ गई है तो आ कैसे नहीं सकती, इसलिए कि मैंने उसको कैद करके रखा हुआ है। अरे छुट्टी है तो कैद कैसे रही रहे। अरे मैंने उसको अपने पुराने बंगले में कैद करके रखा हुआ है। ये झूठ बोलता है, इसका एक ही बंगला, इसका दूसरा कोई बंगला। अरे बाबा मेरे पास खटाला में लाल टेकरी के पास दूसरा बंगला है। थैंक यू, 24 घंटे में पता लगाना था, लगा लिया। मेरे पैसे, मेरे पैसे। कैसे पैसे? 500 रुपया। नाटक करने का? ये नाटक करी थी मेरे साथ यार, और तुम लोग कर रहे किधर गई ये लड़की? चली गई। लड़की चली गई, फोन आ गया। फोन, हेलो बिल्ली, यहाँ को चूहा नहीं है। हेलो, हाँ बिल्ली, मैं के कल चूहा। अच्छा, बहुत वेरी गुड, थैंक यू। अब देखना मैं उस ढाबे वाले की कैसे छुट्टी करता हूँ। कल सुबह मेरा दोस्त अमेरिका से यहाँ लैंड कर रहा है। और बलदेव, अमेरिका से लेकर यहाँ तक सफर कैसा रहा? अरे यार, तुम्हें मिलने की खुशी में पता ही नहीं चला कि अमेरिका से लंदन और लंदन से यहाँ कैसे पहुंच गए। अंकल, आपकी डॉटर किरण हमें एयरपोर्ट पर रिसीव करने क्यों नहीं आई? बेटे क्या है, हिंदुस्तानी लड़कियां जो है ना वो शर्मीली होती हैं, इसीलिए शादी से पहले अपने होने वाले हस्बैंड से नहीं मिलती हैं वो। ओह आई सी, बट यू डोंट वरी अंकल, एक बार उसकी हमारे साथ शादी हो गई ना, तो हम उसको अमेरिका ले जाके इतना मॉडर्न बना देगा कि वो हमारे साथ खुल्ला खुल्ला रोमांस करेगी। अंकल वो देखो, कैसे चिपक चिपक के बैठे हैं, बीच में से हवा भी पास नहीं हो रही है। नो एयर इज पासिंग। अरे केके, तू क्यों शर्मा रहा है यार? अरे अब लड़का लड़की ऐसी बेशर्मी कर रहे हो तो अपने जैसों को तो शर्माना ही पड़ता है ना। डार्ट, वेरी बैड। मेरा होने वाला फादर इन लॉ तो आपसे भी ज्यादा पैसे वाला लगता है। इडियट, ऐसी बेवकूफी की बातें मत किया करो। डोंट वरी डार्ट, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? मैं घर जमाई बन जाता हूँ। शट अप। क्या हाल है बलदेव जी? अरे यहाँ के कहा हो तुम? तुम्हारे बिना तो पार्टी की रौनक ही नहीं। अरे मेरे पार्टी की रौनक तुम हो, तुम्हारा बेटा है। कैसे बेटा? फर्स्ट क्लास अंकल, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। अंकल आपकी वो डॉटर नजर नहीं आ रही है? जब तक इनकी डॉटर नहीं आती, आप गर्म वाटर की तरह उबलते रहिए उनकी फोटो देखकर। वो रही उनकी फोटो। डार्क, वेरी बैड। ये तो वही लड़की है डार्क, जो उस मोटर बाइक वाले लड़के के साथ ऐसे चिपक के बैठी थी कि बीच में से हवा भी पास नहीं हो रही थी। डार्क, नहीं नहीं, वो कोई और लड़की होगी, ये तो मेरी बेटी है। क्यों आगे? ये सज्जी की बेटी है, लेकिन ये वही लड़की जिसको आपने देखा। तू क्या कर रहा है बे? तू मेरी तरफ है कि इनकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? अरे यार तो बड़ा हंगामा है यार, ये साला कहाँ से आ गया? डार्क, वेरी वेरी बैड। ये तो लड़का भी वही मोटर बाइक वाला है। तो फिर आ गया? अरे सेठ जी, आपके पास 500 रुपए का छुट्टा है क्या? 100 से 500 रुपए उतर आया। अब क्या बताऊँ, पहले रिक्शा में आता था, आज टैक्सी में आया हूँ। आपकी इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है। तेरे को यहाँ बुलाया किसने बताइए? अपने ही ससुराल में आने, समझ रहा हूँ, ससुराल में आने के लिए दामाद को पूछ के आना पड़ेगा क्या? बस थोड़ी सी तबियत मछली, आँख फड़की, छाती धड़की और घरवाला घरवाली से मिलने चला आया। कहाँ है मेरी घरवाली? अबे ये सपने देखना बंद कर, आज मेरी बेटी की मंगनी मेरे दोस्त के बेटे मैक के साथ होने जा रही है और बहुत जल्द उसकी दुल्हन बनकर अमेरिका चली जाएगी। अरे अमेरिका जाना तो बहुत दूर की बात है, आपकी बेटी धारा भी नहीं जा सकती, चिंच पोखली नहीं जा सकती, और अगर जाएगी तो आपके होने वाले रिश्तेदार के साथ ही जाएगी। रिश्तेदार? अबे तू मेरा चौकीदार भी नहीं बन सकता। हाथ मत उठाना। ए सर जी, ए सर जी, ए सर जी, ए सर जी, ए सर जी,